everyone, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Kive tusi sare? So now, aaj hum log teen basic aadaton ki baat karne wale hain. Agar aap wo aadte improve kar loge, to aap bina yoga ke, bina exercise ke bhi apne aap ko ek healthy lifestyle ki taraf leke ja sakte ho. So sabse pehle, agar aap is channel pe naye ho, to do subscribe my channel now. Let's start. टूडेज टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले कौन सी तीन आदतें हैं जिनको चेंज करके आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ जा सकते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जा सकते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद यू, बट समटाइम्स हम लोग खुद में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम खुद के लिए टाइम निकाल सके. सो इसके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहली आदत जिसकी बात कर रही हूँ कि जब भी आप खाना खा रहे हो मोबाइल साइड रखो, टीवी बंद करो. बहुत गंदी आदत होती है लोगों की. ये आप हेल्दी कैसे हो सकते हो जिस खाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो जब आप उसको ध्यान से नहीं खाते हो. सबसे पहली आदत, जब भी आप खाना खा रहे हो स्विच ऑफ योर मोबाइल, या फिर मोबाइल को साइड में रखो और टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देखना है. उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप ओवर ईटिंग करते हो, दूसरा जिस खाने को आपको चबा चबा के अच्छे से खाना होता है आप बिना चबाए ऐसे ही निगल जाते हो, उसकी वजह से डाइजेशन इश्यूज होते हैं. सो पहली आदत ये. एंड सेकंड वन इसी में मैंने कवर कर दिए कि च्यू योर फूड प्रॉपरली. जब भी आप खाना खा रहे हो बहुत जल्दी खाना नहीं खाना, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो आज की लाइफ स्टाइल में हम सब करते हैं. और इसको ओवरकम करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक किसी टाइम निकाल के मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू डू समथिंग स्पेसिफिक, जस्ट डू वन थिंग. जब भी खाना खा रहे हो अपने खाने, जब भी खाना खा रहे हो उसको 32 टाइम्स चबाओ, उसके बाद खाओ. एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसने मेरी लाइफ चेंज की है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर. जब पानी पी रहे हो इतने स्लो पियो जैसे आप खाना चबा के खाते हो. वैसे आप खाना भी चबा के नहीं खाते हो, बट टिल फॉर द वाटर. अगर आप उसको चबाने के टाइम में खाओगे तो मतलब आप उसको स्लो पी रहे हो. एंड और खाना इतनी देर तक चबाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. सो सेकंड पॉइंट इज दिस, च्यू योर फूड प्रॉपरली. थर्ड वन इज ड्रिंक योर वाटर स्लोली. पानी, हमें पानी या लिक्विड कुछ भी, हमें एक्चुअली इतना ज़्यादा जल्दी में सारी चीज़ें करने की आदत हो चुकी है कि हमारी चीज़ को हम काम की तरह लेते हैं. वी आर नॉट थिंकिंग कि वो हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. वी थिंकिंग या वी नीड वाटर जस्ट गेटिंग एंड रश टू अनदर थिंग. ये सबके साथ होता है, इवन हमारे साथ भी होता है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ स्पेशल हूँ. हम सब ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हर एक चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी हेल्थ है. और एक बेसिक, जो मैं आपको एक बेसिक फंडा बता रही हूँ, एक बेसिक आप बोल सकते हो कि फिटनेस की टर्म में सबसे जो बेसिक चीज़ है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके माउथ से स्टार्ट होती है. बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान में रखना. हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी, थायरॉयड, इन सब की बेसिक जो रूट कोज है वो है इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. और उसकी टर्म में अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाए तो हो सकता है फूड में दिक्कत हो सकती है कि आज की डेट में एडल्ट्रेशन हो रही है या फिर वो सारी दिक्कतें, लेकिन उसको साइड में रखा जाए तो जो अभी की डेट में हमारे पास जो खाना आता है हम उसको अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं. ये एक मेन रीज़न होता है, एक लाइक रूट कोज इसको बोल सकते हैं. ये रूट कोज है हर एक डिजीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का. तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को यू नीड टू कंट्रोल दैट थिंग. तो आज हमने अभी तक हमने तीन आदतों पे फोकस किया है. फोर्थ बहुत सिंपल है, खाना खाने के बाद इस पोजीशन में बैठोगे, इसको बोलते हैं वज्रासन और थंडर बोल्ट पोज. पोस्चर में बैठोगे ये ओवरऑल आपके डाइजेशन प्रोसेस को बूस्ट करता है और अच्छे से डाइजेशन होने में हेल्प करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कि खाना खाते टाइम पानी कभी भी नहीं पीना है. ये रूल आपको बनाना है कि आप पानी खाने से आधे घंटे पहले पियो, खाने के आधे घंटे बाद पियो, लेकिन खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना है. अगर आप ये सिंपल सी 4 से 5 आदतों को अपने लाइफ में अडेप्ट कर लेते हो तो आप मैजिकल, यू विल फील
मैजिकल रिजल्ट्स। और ये मेरे साथ हुआ है। और एक चीज मैं बता देती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है कि आई स्टार्ट हैविंग इश्यू ऑफ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग इवन आप अगर पुराने वीडियोज में जाओगे तो यू कैन सी दिस स्टमक, क्योंकि स्टमक फैट नहीं था, दैट वॉज ब्लोटिंग। और मैंने उससे गेट ट्रीट कैसे पाया, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100%, बट या 80% इज गोन, 80% इज गोन। उसका सिंपल सा रीज़न था, और मैंने एक वीडियो में पहले भी इसके बारे में मेंशन किया है कि उसका सिंपल सा सोल्यूशन था कि आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग। ये सिंपल सी चीज़ मैंने की, उसके मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन करोगे दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ कुछ दिन करने के बाद यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंस, कुछ दिन करना पड़ेगा। और अगर आप इसको महीनों और इसको अपने लाइफस्टाइल में उतार लेते हो तो डेफिनेटली आप खुद से भी बिना एक्सरसाइज से भी बहुत अच्छी हेल्थ के साथ रह सकते हो। बस ये सिंपल सी चीज़ें आपको करनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्रेस दैट लाइक बटन, गिव अ थम्स अप, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, फॉर दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो। अबाउट मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर आईडी इज amandeep.rajput.75 फॉर डेली अपडेट्स। एंड you can join my live classes if you want, just let me know in the comment section that you want to join. And so that's all for today's video.